आरिफा इंटरनेशनल कॉलेज में एक तकरीबन रखी थी कि जिसमें स्टूडेंट ने भरपूर पार्टिसिपेशन की और बहुत इंजॉय किया गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह के फंक्शंस तमाम कॉलेजेस में होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आरिफा इंटरनेशनल कॉलेज। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है फंक्शन अटेंड करके और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे हाईएस्ट CGPA क्लास में। माशाल्लाह आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मैंने अपने 15 साल के कैरियर में बहुत से इवेंट, एनुअल डे, ग्रेजुएशन सेरेमनी, स्पोर्ट्स, इवन स्कूल लेवल पे भी देखे, लेकिन आज की जो आप लोगों की परफॉर्मेंस थी, आपकी आपदीद और आपकी वो जेंडर के बारे में, वो आउट क्लास थी। उसके लिए मेरा सफ़र एक तरफ और आप लोगों की परफॉर्मेंस एक तरफ, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू योर टीचर एंड स्टूडेंट, वेल डन, गुड जॉब। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी जो तकरीर थी आरिफा इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से एनुअल डे की तकरीब मुनक्कद की गई और इसमें स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने बहुत मुकाबले में हिस्सा लिया और साथ साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों को भी उनके सराहाया गया। हमारे जो ADB ग्रेजुएट्स यहाँ से जा चुके हैं उनकी भी तालीमी सरगर्मियों को सराहाया गया। इसके साथ साथ बच्चों ने बहुत ही मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत प्लेस की पार्टिसिपेशन की और इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जो हमारे कम्पटिशन हो चुके हैं उसके ऊपर भी हमारे मुख्य स्टूडेंट्स को सराहाया गया। काफ़ी मज़ा आया इस इवेंट पे, हम सब अपने दोस्त हम सब यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़े की थी। बाकी हमारे कई क्लास के खुद स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। एनुअल डिनर था हमारा, बहुत फ़न किया हमने, बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मिंग की हुई है और हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आरिफा इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद कैंपस का 3rd एनुअल डे था। हम अपने कॉलेज में कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करने का मौका दें ताकि स्टूडेंट्स ना सिर्फ अपनी तालीम पे तवज्जो दें बल्कि इसके साथ साथ इस मुआशरे के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें भी अपनी मुकम्मल पार्टिसिपेशन दें, अपना रोल अदा करें, क्योंकि अदारे से स्टूडेंट पढ़ के निकलता है उसके बाद उसने इस मुआशरे का हिस्सा बनना होता है। हर स्टूडेंट के हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स की तालीम से ज़्यादा उसकी तरबियत पर फोकस करें।